गाइस आप भी जब भी किसी को कॉल करें तो उसके मोबाइल में आपका वीडियो दिखे तो कैसा रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का, जब भी आप किसी को कॉल करेंगे तो उसके मोबाइल में जब वो आपकी कॉल को रिसीव करेगा तो आपका वीडियो उसके मोबाइल में देखने को मिलेगा। सब चौंक जाएंगे कि भाई ये तूने कैसे किया है। तो गाइज आपको इस सेटिंग को अपने मोबाइल में करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट, सब कुछ आपको अपनी मोबाइल में लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो चलिए गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स आपको इस फीचर्स को अपनी मोबाइल में इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से ट्रूकॉलर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यदि आपके मोबाइल में ट्रूकॉलर एप्लीकेशन है तो आपको अपना ट्रूकॉलर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप ट्रूकॉलर एप्लीकेशन ओपन करेंगे यहाँ आपके अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको अपने सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कॉलर आईडी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको जैसे कॉलर आईडी पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको वीडियो कॉलर आईडी का फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये देखिए फ्रेंड्स शो योर वीडियो कॉलर आईडी, आपको इसे डिसेबल है, आपको इसे इनेबल कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इसे इनेबल कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स जब भी आप किसी को कॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का फीचर्स उसके मोबाइल में देखने को मिलेगा वो जब आपका कॉल रिसीव करेगा। तो आपको कुछ इस प्रकार का फीचर्स अपने मोबाइल में करने के लिए तो आपको सबसे पहले वीडियो कॉलर आईडी आपको क्रिएट करना होगा। तो आपको क्रिएट करने के लिए यहाँ क्रिएट नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे फ्रेंड्स आप क्रिएट नाउ पर क्लिक कर लेंगे जैसा वीडियो आप बनाना चाहते हैं वही सेम वीडियो आपको क्रिएट करना है। तो आपको क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैं क्रिएट नाउ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरा वीडियो फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना बैक कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप फ्रंट कैमरा भी आप ऑन कर सकते हैं। अब आपको इसे आपको अपना वीडियो क्रिएट करने के लिए यहाँ आपको ये रेड का बटन दिख रहा है, आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप कुछ सेकंड तक आपको इस पर क्लिक करना है जब तक ये पूरा ये घूम ना जाए। जैसे ये पूरा घूम जाएगा तो आपका वीडियो क्रिएट हो जाएगा, यही वीडियो आपके उसके मोबाइल में सेंड होगा। तो ये देखिए ये मेरा वीडियो क्रिएट हो गया। अब आपको जिस प्रकार का वीडियो क्रिएट करना है, जिस प्रकार का वीडियो उसके मोबाइल में भेजना है, आप अपने हिसाब से आप वैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए फाइनली ये मेरा वीडियो क्रिएट हो चुका है, मैं आपको एग्जांपल के मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ आपको ढेर सारे फीचर्स दिखेंगे, आप इसे इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। अब आपको इसे अपना वीडियो कॉलर आईडी सेट करने के लिए आपको यहाँ सही का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपका वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जब आप किसी को कॉल करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, जब भी आप किसी को कॉल करेंगे कुछ इस प्रकार का उसके मोबाइल में आपका वीडियो देखने को मिलेगा जब वो आपका कॉल रिसीव करेगा। अभी ये सक्सेस नहीं हुआ है, अब आपको सक्सेस करने के लिए आपको गॉट इट पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप गॉट इट पर क्लिक कर देंगे तो आपका वीडियो कॉलर आईडी इनेबल हो जाएगा, आपका वीडियो कॉलर आईडी आपके मोबाइल पर लग जाएगा। दोस्तों बस ऐसे ही आप भी अपने मोबाइल पर आसानी से वीडियो कॉलर आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ट्रिक, अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए फ्रेंड्स जय हिंद वंदे मातरम।